सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ एमजी एस्टर का टॉप मॉडल। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है दोस्तों। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी वीडियो बनाऊँ सारे फंक्शंस को लेके इलैबोरेट करने में। सो आज मैं इसके सारे फंक्शंस इलैबोरेट करके आपको दिखाऊँगा एक एक चीज़। सो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। सो स्टार्ट करते हैं हम इसकी एलईडी होकाई लाइट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो डिज़ाइन है वो होका यानी कि बूमरैंग से इंस्पायर्ड है। और दूसरी चीज़ जो है, ये क्रिस्टल से इसीलिए इनका वर्क क्या होगा, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे जिससे कि लाइट बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड लगे। सो एलईडी यानी जिस साइड हम स्टेज को मूव करेंगे ये उसी साइड की लाइट्स ऑन होंगी उसी तरीके से। और फिर हम बात करते हैं अगर इसके फ्रंट की, तो एमजी का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। ये जो इन्होंने 3D व्यू दिया है, ये इस तरीके से जैसे सन शाइन कर रहा हो उस तरीके से इसका डिज़ाइन बना है। नीचे सिल्वर क्रोम देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी का जो हिट है वो थोड़ा सा नीचे बना है ताकि गाड़ी क्लियर करके अच्छे तरीके से जाए और लिक्विड फ्लो हो गाड़ी में। सो एक बार साइड व्यू का हम बात कर लेते हैं। इसके टायर्स जो होंगे वो हमें 17 इंचज के इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ये टॉप मॉडल है शार्प है। तो इसके अंदर इस तरीके के आएंगे, इससे नीचे का मेरा लोग भी इसी तरीके के आएंगे। और इसका जो व्हील बेस रहने वाला है वो 55 का रहेगा। और गाड़ी इस तरीके से कुछ लुक में आप देख सकते हैं, इस तरीके से रहने वाली गाड़ी का साइड प्रोफाइल। और ये गाड़ी का साइड प्रोफाइल एल ई डी लैंप हमें इसकी देखने के लिए मिल जाती है। और हाँ, ये थोड़ी अलग तरीके से डिज़ाइन है। जैसे एल ई डी टेल लैंप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ये इसमें छोटे छोटे पीसेस बना रखे हैं। पीछे वाली भी बूमरैंग डिज़ाइन में, तो कहीं ना कहीं एक लुक को एनहांस करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर ZS की बैटरी मिल जाती है, SL की बैटरी मिल जाती है। और उसमें इसकी अगर मैं बात करूँ तो लोगो जो रहेगा वो ऑपरेशनल रहेगा। हम इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा। पार्सल ट्रे मिल जाएगी, 435 लीटर्स का बूट स्पेस हमें इसके अंदर मिल जाता है। जो पीछे की सीट्स रहेंगी वो 60-40 के रेशियो में हम स्प्लिट कर सकते हैं और ये और एनलार्ज हो जाएगा। स्टेपनी जो हमारी रहने वाली है वो रहेगा स्पेयर व्हील 16 इंचेस का। और ये सारे इसके पार्ट्स हो गए। साइड में हमें थोड़ी थोड़ी स्टोरेज मिल जाता है, हम कोई भी चीज़ इसमें रख सकते हैं। लाइटिंग हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। पीछे एयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, हमें डीप फॉगर वॉशर एंड वाइपर्स मिल जाते हैं। इनका मेनली काम क्या होता है, जैसे डीप फॉगर हो गया ये, तो इसके अंदर 2 सेकंड की हीट जनरेट होती है फॉगी कंडीशन के दौरान। ऊपर भी आती है शार्पिंग एंटीना दिया जाता है, गाड़ी को स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करता है। अगर मैं नीचे वाली इनकी बात करूँ तो ये रिफ्लेक्टर्स रेड कलर में जो है ये रिफ्लेक्टर्स हैं। अगर आप ब्रेक भी नहीं प्रेस करते पीछे वाली गाड़ी की, तो लाइट रिफ्लेक्शन भी आता है तो ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ये गाड़ी का रिफ्लेक्टर इसको रिफ्लेक्टर हो गया। साइड में रूफ लाइट्स मिल जाती हैं। इसके नीचे वाले मॉडल्स में ये हमें नहीं मिलती। अगर स्टाइल मॉडल की बात करें बेस वेरियंट की, तो वो हमें नहीं मिलता। और इसके अंदर ओआर बीम्स में कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, हीटेड ओआर बीम्स होंगे। टर्निंग इंडिकेटर्स मिल जाएंगे हमें। और जो इसका मेन फंक्शन है वो मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा। तो बेसिकली इसके अंदर एक कैमरा फ्रंट में है, एक कैमरा बैक में है और 2 कैमरे साइड में, यानी ओवरऑल 4 कैमरे हमें गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। सो एक बार हम अंदर से इसको देखते हैं किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। सो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग में हमें कीलेस एंट्री का फंक्शन देखने के लिए मिल जाता है। एक बार प्रेस करोगे तो सारे डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं, हमें की का यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मिरर्स को अप एंड डाउन करने की स्विचेज हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं गाड़ी के डोर्स को लॉक एंड अनलॉक करने की चीज़ें हमें मिल जाती हैं। क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है गाड़ी के अंदर। और जो टूटर्स होंगे वो फ्रंट में हमें टूटर्स मिल जाएंगे। बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। सीट एडजस्टेबिलिटी जो होगी वो 6-way सीट एडजस्टेबल होगी, आगे पीछे ऊपर नीचे। और इससे हम इस चीज़ को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। सो आगे का और भी जो भी चीज़ें होंगी एक बार अंदर बैठ के हम बताते हैं।
दोस्तों अब हम आ चुके हैं एस्टर के अंदर और इसका जो इंटीरियर रहेगा कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अब मैं एक बार इसका इग्निशन ऑन करता हूँ। 7 इंचेस की MID स्क्रीन और देखिए किस तरीके से इसका डिज़ाइन, MG का लोगो, ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। और ये इसका स्टीयरिंग रहेगा कुछ इस तरीके का, लेदर रैप्ड फ्लैट बॉटम कट, और इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये छोटू उठ चुका है, इसने हमें नमस्ते कर दिया है, एस्टर का पर्सनल AI असिस्टेंट। एक बार ब्लोर्स बंद करो, ये 2 सेकंड में चला गया ना। सो गाइस देखिए आज के शुभ दिन पे ये हमें हैप्पी गुरुपर्व विश कर रहा है, जो कि हमें रिमाइंड करवाता रहता लाइक हमारे फोन की तरह। और हेलो एस्टर। यस, हाउ आर यू? बिजी एज अ बी, हाउ वाज योर्स? आई एम गुड। ओके, सो देखा सर आपने किस तरह से ये रिस्पॉन्ड करता है, लगता ही नहीं कि एक रोबो को बिठाया गया है, एक कंपेनियन वाली फील देता है। एंड फ्रेंड्स जो इस साइड के स्विचेस रहेंगे वो रहेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, लाइक वॉइस हम रेज कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड म्यूट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, कॉल उठाने का स्विच हमें यहाँ पर मिल जाता है, सोर्स मिल जाता है चेंजेस करने के लिए, सोर्स चेंज करने के लिए, MG का लोगो मिल जाता है, और ये SOS कॉल इमरजेंसी कॉल के लिए स्विच मिल जाता है, वॉइस कमांड्स के लिए मिल जाता है, MID से रिलेटेड जो रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। और एक बार हमें वरुण सर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताएंगे, मैं इनको माइक देता हूँ। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वी आर इन बैक इन एस्टर एंड हम लोग देख रहे हैं सर एस्टर का फुल्ली डिजिटल MID क्लस्टर जो कि 7 इंचेस का है, फर्स्ट इन अ सेगमेंट है। एंड इसमें आपको व्हीकल से रिलेटेड सारी डिटेल देखने को मिलती है, फॉर एन एग्जांपल आपका रनिंग टाइम, एक्सलरेशन, एवरेज क्या दे रही है, एज वेल एज आप इसे इसकी एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप लेफ्ट साइड स्टेयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड देखें तो वहां पे आपके इंडिकेटर से रिलेटेड कंट्रोल्स रहेंगे एंड आपके राइट साइड पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल रहेंगे। इज इट डिफरेंट? यस, बिकॉज दिस टाइप ऑफ सेटअप कम्स इन स्कोडा, फॉक्सवैगन, फोर्ड, राइट? एंड इसमें एक नॉर्मल कार से डिफरेंट चीज दी गई है, वो है आपका क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड। इसमें एक थर्ड लीवर और दिया गया है जो कि आपके इंडिकेटर लीवर के जस्ट बिलो है, जिसमें आप अपनी स्पीड को सेट कर सकते हैं लाइक नॉर्मल स्पीड क्रूज सिस्टम। एंड टॉकिंग अबाउट इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.1 इंच का फुल्ली डिजिटल, ये तो डिजिटल ही होता है, कोई नहीं कह रही उनको। सो गाइस ये है 10.1 इंच का ऑडियो वीडियो नेविगेशन फुल HD डिस्प्ले। एंड इसके टच रिस्पॉन्स की बात करूं बहुत ही ज्यादा क्विक है, एंड आप इसी से ही अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की सेंसिटिविटी भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? आपने नॉर्मल मोड पे जाना है, व्हीकल सेटिंग पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग पे क्लिक करेंगे एंड आप इसे 3 मोड्स में से किसी भी एक मोड में स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं अर्बन पे स्विच करके रखूंगा, और अगर मुझे हैवियर ड्राइव स्टीयरिंग व्हील की आदत है तो मैं डायनेमिक पे स्विच करके रखूंगा। डायनेमिक में क्या रहता है, आपका स्टीयरिंग व्हील नॉर्मल के कंपैरिजन में स्टिफ रहता है। एंड यहाँ पे अगर आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखना है, आप इंफोटेनमेंट सिस्टम में भी देख सकते हैं, एज वेल एज आप अपनी MID में भी चेक कर सकते हैं लाइक आपकी गाड़ी के टायर में कितना प्रेशर है, किसी कोई टायर पंचर है कि नहीं, वो भी आपको डिटेल बता देगा। एंड इस वेरिएंट में एस्टर शार्प मैनुअल वेरिएंट में आपको 4 फीचर्स और देखने को मिलते हैं लाइक आपका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। जब भी आप कार ड्राइव कर रहे हो, अगर उसमें जिस साइड से पीछे साइड से कार आ रही हो तो वो आपके उसी साइड के ORVM पे जो इंडिकेशन है वहाँ पे आपकी लाइट जलेगी। प्लस लेन चेंज असिस्ट आता है सर इसमें, जो आपको लेन चेंज के टाइम में असिस्ट करेगी। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ये फर्स्ट इन अ सेगमेंट फीचर दिया है MG एस्टर ने। एंड मैं इसके टच रिस्पॉन्स की बात कर रहा था, बहुत ही स्मूथ टच रिस्पॉन्स है, एज वेल एज इसी के अंदर आप अपने इस एस्टर से रिलेटेड वॉइस कमांड को यूज कर पाएंगे। फॉर एन एग्जांपल बच्चों को कई बार पता लग जाता है कि हेलो एस्टर बोलने से ये वर्क करने लग जाएगा, और वो ड्राइविंग के टाइम पे हो सकता है आपको इरिटेट करे, तो आपने क्या करना है, सीधा वॉइस सेटिंग में जाकर हेलो एस्टर वाले वॉइस कमांड को ऑफ कर देंगे तो ये बच्चों की आवाज नहीं सुनेगा। एज वेल एज इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है। एंड क्वालिटी की मैं बात करूं
नाइस क्वालिटी, नाइस पिक्चर रेजोल्यूट करता है, एंड इवन आप इसे 3D में भी देख सकते हैं, 3D व्यू भी इसका बहुत अच्छा है। एज वेल इसमें जो एडेप्टिव गाइडलाइंस दिए हुए हैं, इसमें मुझे किसी भी तरह का कोई भी लैग नहीं देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर क्या नहीं आता, इसके अंदर आपका 3 साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्री रहता है जियो की तरफ से, प्लस जियो सावन का प्रीमियम अकाउंट भी इसमें मिलता है। शॉर्ट ओपीडिया रहता है जिसमें आप, जिससे आप लेटेस्ट न्यूज के बारे में अपडेटेड रहते हैं। तो लोडू नहीं चलेगा, इसको लॉग इन करना पड़ेगा। एंड सर इसमें जियो सावन का प्रीमियम अकाउंट देखने को मिलता है। लेट्स हियर द MG स्पीकर्स वॉइस। ओके, इसका जो इंटीरियर है ना काफी ज्यादा प्रीमियम है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एयरप्लेन के टर्बाइन से इंस्पायर्ड है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप इसके ब्लोवर्स को देखें तो ये प्रॉपर टर्बाइन्स की तरह डिजाइन किए गए हैं। आप इसे यहाँ से ऑफ और ऑन कर सकते हैं, एंड इट्स लुक्स टू प्रिटी। एंड डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है ऑल ओवर द कार, एंड कार्स रियली लुक प्रीमियम। एंड इसमें, इस गाड़ी के अंदर आपका ये जो पर्सनल असिस्टेंट होता है, ये क्या करता है, लेट्स सी। हेलो एस्टर। यस। ओपन सनरूफ। सो गाइस ये है एस्टर का स्काई रूफ। नॉर्मल गाड़ी में सनरूफ आता है, पैनोरमिक सनरूफ आता है, डुअल पिन पैनोरमिक सनरूफ आता है, बट इसमें स्काई रूफ दिया गया है। स्काई रूफ क्यों? क्योंकि ये सीलिंग का 90% एरिया कवर करता है सर, एज यू कैन सी द। एंड यहाँ पे डाइल भी दिया गया है, सो दैट अगर आपको इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं चाहिए तो आप इस डाइल बाय डाइल का यूज करके आप अपनी मन मुताबिक साइज को ओपन कर सकते हैं। अगर इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इसमें पैसेंजर एयरबैग भी क्लोज कर ऑफ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब इसको ऑफ कैसे करेंगे? सिंपल, हमें की का यूज करके यहाँ पे एक लॉक है उसको अनलॉक करना पड़ता है। एक बार वो की दिखाओ, निकाल के मतलब इसमें से। सो इस तरह की इसकी की रहती है, एंड इस की को हमने सिंपली आपके ग्लव बॉक्स के नीचे इंसर्ट करना है। यहीं कहीं लॉक, यहाँ ये रहा, इधर है, ये लॉक को इशू नहीं होगा, इंसर्ट करना, एंड आप इजीली आप अपने पैसेंजर साइड का एयरबैग को ऑफ कर सकते हैं। इजंट इट गुड? ये यहाँ पे सर देखिए, ये जो की का जो ऑप्शन है, ये की के रिकॉर्डिंग है सर। जब आपकी चाबी की बैटरी डेड हो जाती है तो आप इसे यहाँ रखेंगे, तब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस गाड़ी में और क्या आता है, इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, एज वेल एज ABS, EBD, ब्रेक होल्ड असिस्ट, ये है सर आपका हिल डिसेंट कंट्रोल। आप ढलाई से नीचे गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा सर, यहाँ पे एक विजुअल बटन भी दिया गया, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। एज वेल एज इसमें टू फ्रंट में दो फास्ट टाइप USB चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, प्लस एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, सो दैट आप अपने फ़ोन को इजीली एंड फास्टर वायरलेस चार्जिंग पैड से कई गुना फास्टर आप अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। फाइव स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है, और बैक गियर वो ऐसे इसमें नीचे प्रेस करेगा। एंड इसका जो रिवर्स गियर है वो आपने देखा होगा, नीचे करके एंगेज होता है, एंड जब भी आप रिवर्स में पुट करेंगे आपका 360 डिग्री कैमरा स्टार्ट रहेगा। ठीक है, कन्वेंशनल हैंड ब्रेक देखने को मिलता है सर इसके अंदर, लाइक नॉर्मल गाड़ियों के अंदर होता है, आर्मरेस्ट एंड आर्मरेस्ट, और काफ़ी डिसेंट स्पेस है इसके अंदर, आप अपना स्टफ यहाँ रख सकते हैं। सो अब बताते हैं सर इस मैनुअल ट्रांसमिशन के टॉप मॉडल में क्या क्या आता है। आपको इसमें 6 एयरबैग, 6 स्पीकर सिस्टम, मीन्स आपके 2 ट्विटर एंड 4 स्पीकर रहते हैं जो कि MG के ही हैं। इसमें एस्टर पर्सनल AI असिस्टेंट मिल जाता है आपको, और इसमें आपका 75+ इंग्लिश कमांड रहते हैं। इंग्लिश मीन्स सर हिंदी और इंग्लिश के मिले जुले कमांड, प्लस 100+ वॉइस कमांड है सर इसके अंदर। आप इसे ड्राइविंग के टाइम में चिट चैट भी करते करते, अगर आप सोलो ड्राइव कर रहे हैं, आप इसे बात करते करते भी अपना रास्ता काट सकते हैं। एज वेल एज इसमें आई स्मार्ट के फीचर्स आ जाते हैं। एंड आई स्मार्ट की बात करूँ, इसमें अपडेटेड वर्जन है आई स्मार्ट 2.0 का यूज किया गया है, जिससे आप अपनी गाड़ी कहाँ है, किस स्पीड पे चल रही है, आप अपनी गाड़ी का
ड्राइविंग बिहेवियर रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप बाहर गए हुए हैं और इन बिटवीन आपके घर पे कोई आपकी गाड़ी चोरी करना चाह रहा होगा, उसका भी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। ऑल दो देर आर लॉट ऑफ फीचर्स लाइक जियो फेंस, अगर आपने एक रेडियस फिक्स किया है उसके बाहर अगर आपकी गाड़ी जाती है तो आपको ऑन द स्पॉट मैसेज आ जाएगा, एज वेल एज इसमें इंटेलिजेंस इसमें एज अ स्पीड लिमिट का भी ऑप्शन है। अगर आपने 60 की स्पीड लिमिट सेट की है और उसके अबव अगर आपकी कोई कार ड्राइव कर रहा है तो ऑन द स्पॉट आपके पास मैसेज आ जाएगा, एज वेल एज ऐप की MID पे भी शो करता है। एंड इसमें जो ORVM होते हैं वो हीटेड ORVM होते हैं। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जो जो चीज अब तक तो हमने सारा कुछ बता दिया कि भाई गाड़ी के अंदर ये है ये है ये है, अब मैं आपको वो बताता हूँ जो इस गाड़ी के अंदर नहीं है। कूल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं है फ्रेंड्स इसका, नंबर वन। दूसरी बात, मेरे को थोड़ा सा ये यहाँ पे मिसिंग लगा जो ये इसमें ग्लास होल्डर नहीं दिया, और तो ऑलमोस्ट सब कुछ है, लाइक वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बाकी तो सही है। वैसे गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट जरूर करना आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो। हाँ, हम आपके कमेंट का जरूर इंतजार कर रहे हैं और आगे बताना किस चीज पे वीडियो बनाऊं। यस ओके बाय बाय।